अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार से बर्गर बना रहे हैं और वो हम पोपाइज बर्गर बनाएंगे। और उनके लिए सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे और हमें उसके लिए चिकन ब्रेस्ट चाहिए होंगी। ये हमारे पास एक फुल चिकन ब्रेस्ट है जिसके मैंने यूँ इस तरह से पीसेस काट लिए हैं, ऐसे ये थिन से पीसेस काटते हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं काटने। और सबसे पहले मैं मटीरियल बनाती हूँ। हम विनीगर लेंगे, 2 टेबलस्पून मैंने विनेगर लिया है। अब लेमन जूस हम डालेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है या सिरका नहीं है तो आप यही डबल क्वांटिटी कर सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आपने अपनी मर्जी के मुताबिक डालना है, कुछ तेज खाते हैं कुछ कम खाते हैं, उसी हिसाब से आपने डालना है। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून प्याज का पाउडर, अनियन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, ये भी आपने जितना तेज खाना है तो इसमें तेज डाल लें। और हॉट चिल्ली सॉस आपने डालनी है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं सोया सॉस। और 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं इसमें कुकिंग ऑयल। अब हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसकी पेस्ट सी बननी है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 1/2 आवर भी काफ़ी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1/2 आवर के लिए रख सकते हैं इसे और उसके बाद आप फ्राई कर लें। अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर 2 से 3 घंटे इसे दें ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब इसे फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करें। अब हम कोटिंग के लिए मटीरियल तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर, 1 2.5 कप मैंने लिया है। 1/2 कप लेंगे हम कॉर्नफ्लावर। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, मैं 1/2 टेबल स्पून लेने लगी हूँ। 1/2 टेबल स्पून सूखी मिर्च पीसी, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इस सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अंडा मिक्स करेंगे। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर अच्छा सा बना लेंगे। इस तरह से हम इसका बैटर बना लेंगे, इतनी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब हम इसमें, अगर आपको ज्यादा तेज, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा ये वाली हॉट चिली सॉस डाल। अब हम बर्गर्स के अंदर लगाने के लिए मायोनीज तैयार कर लेते हैं। आपने जितने बर्गर बनाने उसके हिसाब से आपने तैयार करनी है। इसमें हम डालेंगे हॉट सॉस, और ये हॉट चिल्ली सॉस है। जितना आपको स्पाइसी बनाना है आप इसमें उतना ऐड कर लें।
अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस और साथ में डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और इसे अच्छी तरह से हम इस तरह बीट कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। ये पिकल कुकम्बर है, तो ये थे हमारे आज के बहुत ही मजेदार से बर्गर। होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगे। प्लीज से फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।